केरला स्टोरी एक फिल्म है जो कश्मीर फाइल्स जैसे एक बहुत बड़ा प्रोपागंडा फिल्म है। ये सिर्फ केरला के नाम बदनाम के लिए करने के लिए रिलीज़ हुआ था और इस पिक्चर को केरल के लोग वो कोई वैल्यू नहीं देता है। हमारा वहाँ वो सिर्फ 15 या 20 थिएटर्स में केरला स्टोरी वो फिल्म जा रहा है। वो दे आर रनिंग इन जस्ट 15-20 थिएटर्स और बाकी सब थिएटर्स में वो पिक्चर बंद किया क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। लोग समझ आता है कि ये सिर्फ संघ परिवार का, ये आरएसएस वालों का प्रोपागंडा फिल्म है और इसमें कोई सच नहीं है, कोई सच नहीं है। और ये लोग बोलता है कि 32,000 गर्ल्स ने सीरिया गया, वो केरला से गया सीरिया गया वो आईएस ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अभी वो उनकी फिल्म के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में चेंज किया कि अभी सिर्फ 3 लोग हैं। ये कैसा हुआ? मतलब एक दिन में 31,197 लोग वापस आ जाएगा क्या? दैट इटसेल्फ प्रूव्स दैट दिस इज ऑल जस्ट अ प्रोपेगेंडा, इट इज लेस लाइज नथिंग मोर देन दैट। और इफ यू अगर हम ये 3 लड़कियों के बात करते हैं तो सिर्फ केरल से नहीं, बाकी स्टेट से भी लोग गया था आईएएस में, लेकिन फिर क्यों सिर्फ केरला के नाम पे एक पिक्चर बनाते हैं? क्योंकि उनको केरल में कोई सीट नहीं मिलता है, लोग उनको कोई वैल्यू नहीं देता है आरएसएस को, इसलिए उनको वो एक वो केरल के लोगों को बदनाम करने के लिए ये फिल्म बनाता है। और इसका टाइमिंग और ये रिलीज़ का टाइमिंग भी आप देख कर दीजिए तो ये कर्नाटका चुनाव के वक्त ये पिक्चर रिलीज़ हुआ और अमित शाह ने बोला था कि आपका आसपास केरल है और ये देखो और केरल का हालत बहुत ख़राब है, ऐसा वोट कर लो। और मोदी जी भी एक इलेक्शन रैली में केरला स्टोरी एक फिल्म को प्रमोट किया, तो ये बहुत एविडेंट है कि ये इलेक्शन जीत करने के लिए उन्होंने रिलीज़ किया, लेकिन अभी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हम ये मूवी के बात करता है तो इस मूवी में एक बहुत इश्यू, एक इसका सेंट्रल थीम यही है कि केरला में लव जिहाद होता है, तो इसका असलियत क्या है कि हमारे देश में लव जिहाद होता है क्या और स्पेशली केरला में इसका कोई केसेस है क्या? अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमको बीजेपी की इलेक्शन रैली और उनकी नेता लोगों का जुमला और झूठ वो सब आप वो साइड में दीजिए। और अब हम अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ऐसा स्टेटेड है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यूनियन द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैट इज़ द डिप्यूटी ऑफ अमित शाह, उनको नाम है जी किशन रेड्डी, उन्होंने पार्लियामेंट में केरला का एक एमपी है, लोकसभा एमपी है, उसका नाम है बेन्नी बहनान, वो कांग्रेस की एक एमपी है, उन्होंने पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा कि कोई लव जिहाद का कोई केसेस रिपोर्टेड है क्या, ये सच है क्या? और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने ये बोला था कि वो नो सच केसेस ऑफ लव जिहाद हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय एनी ऑफ द सेंट्रल एजेंसीज। ये उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई एविडेंसेस नहीं मिला लव जिहाद को, तो और इसमें बहुत क्लियरली ये बात लिखा है। अगर आप हम पार्लियामेंट की रिकॉर्ड चेक कर जाएगा तो आपको ये मिलेगा कि पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मिनिस्टर ने ऐसा बोला, अमित शाह के डिप्यूटी ने ऐसा बोला, फिर क्यों वो ऐसा प्रधानमंत्री ने ऐसा वो प्रोपोगंडा को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि उनको सिर्फ कोई दूसरा चीज़ बात करने के लिए कोई दूसरा चीज़ नहीं है, उनको देश के मुद्दे का बात करना और या लोगों के समस्या, उनका वो गरीबी है या किसान के हालात है उनके बात करने वो, और ये अभी वो रसलेस के इश्यू है, वो मणिपुर के मुद्दे हैं, उनके इस ऐसी मुद्दे पर बात करने के लिए कोई वो इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वोट नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ वोट चाहिए और इसलिए वो और ये वोट मिलने के लिए उनके सिर्फ उनके वो सामने सिर्फ एक रास्ता है, वही है हिंदू मुस्लिम झगड़ा करके उनके बीच में नफरत फैला के और उनसे वो डिविडेंड आना, वो उनके उससे फ़ायदा मिलना।
तो इसलिए वो ए झूठ को प्रोपागेट करता है, इसमें कोई सच नहीं है। लव जिहाद एक सिर्फ एक हॉक्स है, सिर्फ एक प्रोपागंडा है, ये इसमें कोई सच नहीं है। तो उम्मीद है कि लोग इस झूठ को समझ आएगा।